नमस्कार दोस्तों, रेल स्टेशन एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को जानकारी है कि उत्तर प्रदेश की एक श्रृंखला प्रारंभ की गई है और उसके अंतर्गत पिछले लेक्चर में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश की भौगोलिक संरचना का अध्ययन किया हुआ था, तो आज के इस लेक्चर में हम लोग उत्तर प्रदेश की जलवायु के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि जलवायु शब्द है, ये भूगोल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, तो सबसे पहले जलवायु की परिभाषा को समझना आवश्यक है और जलवायु से पहले हमें मौसम को समझना आवश्यक होता है। अक्सर परीक्षा में मौसम एवं जलवायु के बीच में अंतर भी पूछ लिया जाता है, तो मौसम एवं जलवायु को समझ लेना आवश्यक है। और ये जो मौसम और जलवायु की परिभाषा है, वो उत्तर प्रदेश को पढ़ते समय हम यदि देख लेते हैं तो पूरे भूगोल के दौरान भी जलवायु और मौसम की वही परिभाषाएं रहेंगी, क्योंकि वहां पे भी जलवायु और मौसम की परिभाषा नहीं बदलेगी। तो जैसा कि मौसम है कि किसी स्थान की अल्पकालीन पर्यावरणीय जो दशाएं होती हैं वह वहां की मौसम कहलाती हैं। अल्पकालीन पर्यावरणीय जो दशाएं हैं वो जलवायु मौसम कहलाती हैं, और किसी स्थान की दीर्घकालीन मौसमी दशाओं के योग एवं उसका औसत वो जलवायु कहलाता है। यानी कि दीर्घकालीन मौसम का योग एवं औसत। तो कुल मिलाकर के ये दोनों ही टॉपिक मौसम और जलवायु एक दूसरे से संबंधित हैं, जहां पर मौसम अल्पकालीन पर्यावरणीय दशाओं के योग को दिखाता है, वहीं पर जलवायु का निर्धारण किसी भी स्थान या क्षेत्र या प्राकृतिक प्रदेश में अगर देखा जाए तो वहां की दीर्घकालीन मौसमी दशाओं का योग और औसत होता है। और जब हम पिछले 10 से 15 सालों के मौसमी दशाओं के ट्रेंड को देखते हैं, तो उसके आधार पर एक निष्कर्ष निकाला जाता है जो कि वहां के जलवायु के रूप में व्यक्त होता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि जलवायु और मौसम किस रूप में एक तरीके से संबंधित है। दूसरी बात यह है कि फिर जलवायु में क्या क्या चीजें आती हैं। जलवायु के अंतर्गत कई पर्यावरणीय दशाएं और कारक सम्मिलित होते हैं, लेकिन इसमें मुख्य रूप से वर्षा एवं तापमान ये मुख्य रूप से सम्मिलित होते हैं। तापमान उष्मा गर्मी के रूप में भी व्यक्त होता है, और इन वर्षा और तापमान के औसत दशाओं के आधार पर उत्तर प्रदेश की जो जलवायु है वह उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु है। अगर उत्तर प्रदेश की जलवायु को पूछा जाए तो इसमें तापमान उष्णकटिबंध जो बताया जा रहा है इसमें तापमान का प्रभाव ज्यादा होता है, और मानसून जो बताया जा रहा है इसमें हवाएं और वर्षा का ताप प्रभाव ज्यादा होता है। क्योंकि वर्षा और तापमान के पर्यावरणीय जो दशाएं होती हैं इन्हीं के आधार पर जलवायु का निर्धारण होता है। तो जलवायु जब पूछा जाता है तो इसमें उष्णकटिबंधीय और मानसूनी दोनों ही कारकों को स्थान दिया जाता है। तो जहां उष्णकटिबंध वो तापमान के आधार पर जलवायु की तरफ संकेत करता है, वहीं पर मानसून जो हवाओं वर्षा के आधार पर जलवायु की तरफ संकेत करता है। तो कहने का तात्पर्य हो गया कि जलवायु जो है किसी स्थान की दीर्घकालीन पर्यावरणीय दशाएं होती हैं, और जलवायु में मुख्य रूप से तापमान एवं वर्षा को सम्मिलित किया जाता है। और यदि उत्तर प्रदेश के तापमान एवं वर्षा की पर्यावरणीय दशाओं के दीर्घ काल का अध्ययन किया जाए तो यहां निष्कर्ष के रूप में जो जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु कहलाती है। अब हम इसमें तापमान और वर्षा को थोड़ा सा देख लेते हैं। ताप का किसी
स्थान पर ताप का निर्धारण जो है वो मुख्य रूप से कई कारक होते हैं, परंतु तो मुख्य रूप से सूर्य के वहां पर सीधे चमकने के आधार पर निर्धारित होता है कि सूर्य की किरणें यदि किसी स्थान पर लंबवत चमक रही है तो वहां पे सबसे ज्यादा तापमान प्राप्त होता है और दिन भी सबसे ज्यादा बड़ा होता है, जैसा कि हम लोग उत्तरायण और दक्षिणायन की स्थिति में इसको देखते हैं। तो चूंकि उत्तरायण होने की स्थिति जून के समय में होती है, जैसा होता नहीं कि 21 जून और 22 दिसंबर तथा 21 मार्च और 23 सितंबर, ऐसे इसको हम अगर बना करके देखें तो विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, ये आपकी हो गई विषुवत, ये हो गया कर्क, ये हो गया मकर। तो सूर्य इस तरीके से उत्तरायण और दक्षिणायन की स्थिति में होता है। तो 21 जून को यहां पर सूर्य की किरणें लंबवत चमक रही हैं, 21 जून और 22 दिसंबर को आकर के यहां चमक रही होती हैं। और चूंकि एक बार जब जून से इधर को आएंगी, फिर दिसंबर से फिर इधर को जाएंगी, तो यहां पर दो बार सूर्य की किरणें लंबवत चमकेंगी विषुवत रेखा पे, 21 जून और 22 दिसंबर को यहां पर, और 21 मार्च और 23 सितंबर, 21 मार्च और 23 सितंबर, ये दो बार जो है विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ेंगी। परंतु यहां पर हम लोग 21 जून को आधार बनाएंगे क्योंकि हम भारतीय परिक्षेत्र में उत्तर प्रदेश की जलवायु का अध्ययन कर रहे हैं, तो सूर्य की किरणें जून के महीने में यहां पर लंबवत चमकेंगी और ऐसी स्थिति में यहां सबसे ज्यादा तापमान और उष्मा प्राप्त होगा। तो जून के महीने में उत्तर प्रदेश में जून के महीने में सबसे ज्यादा गर्मी प्राप्त होती है, और जनवरी के महीने में आकर के जून में सबसे ज्यादा और जनवरी में सबसे ज्यादा ठंडी होती है। गर्मी जो है सबसे ज्यादा जून में होती है और ठंडी सबसे ज्यादा वो आकर के जनवरी के महीने में होती है। अगर हम इसको क्षेत्रीय आधार पर देखें तो सबसे ज्यादा जो गर्मी है वो आगरा और झांसी में होती है, सबसे ज्यादा आगरा एवं झांसी में होती है, आगरा और झांसी में, तथा सबसे कम बरेली में होती है। ये सबसे ज्यादा होती है और सबसे कम, सबसे ज्यादा आगरा और झांसी में होती है और बरेली में जो है सबसे कम गर्मी पड़ती है। तो इस आधार पर आपने देख लिया कि सबसे पहले तो तापमान और ऊष्मा का निर्धारण सूर्य के लंबवत चमकने के आधार पर होता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश कर्क रेखा के पास में है, या तीनों रेखाएं जो काल्पनिक रूप से पृथ्वी पर या ग्लोब पर खींची गई हैं उसमें उत्तर प्रदेश की स्थिति तीनों रेखाओं में कर्क के पास है, और कर्क पर सूर्य की किरणें 21 जून को लंबवत चमकती हैं, इसलिए जून के महीने में यहाँ पे सबसे ज्यादा गर्मी होती है। ये एक साइंटिफिक उसका तरीका होता है, किसी चीज में अगर तापमान का हम वितरण दिखा रहे हैं तो वहां पर समझने का कि तापमान का निर्धारण सूर्य के लंबवत किरणों के आधार पर होता है, और सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर 21 जून को लंबवत चमकती हैं, और उत्तर प्रदेश तीनों ही काल्पनिक रेखाओं में कर्क रेखा के पास नजदीक में है, इसलिए जून के महीने में यहाँ सबसे ज्यादा गर्मी होती है और जनवरी के महीने यहाँ सबसे ज्यादा ठंडी होती है। यह इसका कालिक वितरण हो गया। और अगर क्षेत्रीय वितरण देखा जाए तो आगरा और झांसी में सबसे ज्यादा पड़ता है जो है गर्मी, तापमान होता है यहाँ पे, गर्मी यहाँ सबसे ज्यादा पड़ती है, और बरेली में सबसे ज्यादा जो है ठंडी पड़ती है। अब हम लोग आते हैं वर्षा के लिए। तो उत्तर प्रदेश में मानसून का प्रारंभ जून के तीसरे और चौथे सप्ताह में हो जाता है। आपको यह जानकारी होगी कि केरला जो कि दक्षिण भाग में है, उत्तर प्रदेश से दक्षिण में है या भारतीय प्रक्षेत्र के दक्षिण में है, वहां पर 1 जून को मानसून आ जाता है। मतलब एक बनाया गया है औसत विभिन्न वर्षों का अध्ययन करने के बाद, हालांकि उसके आगे पीछे भी मानसून होता है और ये जलवायु परिवर्तन का प्रभाव है, कई बार ठंडी या गर्मी पहले होती है, कई बार बाद में होती है, जैसे इस बार भी अगर देखेंगे तो काफी कुछ थोड़ा लेट में जो है ठंडी हुई है,
इसी तरीके से बारिश के भी समय में होता है कि वर्षा कभी पहले हो जाती है, कभी बाद में होती है, या कभी कम औसत से होती है, कभी औसत से ज्यादा होती है। एकाएक कभी बारिश हो जाती है तो बाढ़ की भी स्थिति उत्पन्न होती है। तो इस तरीके से अगर पूरे भारतीय क्षेत्र में देखा जाए तो केरला में 1 जून को आ जाती है, लेकिन उत्तर प्रदेश चूंकि उत्तरी भाग में है, यहाँ पर हवाएं आने में भी थोड़ा सा समय लग जाता है और मानसून की भी कई शाखाएं होती हैं। तो उत्तर प्रदेश में जो मानसून है वो बंगाल की खाड़ी से आने वाले हवाओं के माध्यम से प्राप्त होता है, जिसे पूर्वा के नाम से जो है जाना जाता है, पूर्वा के नाम से जाना जाता है। और उत्तर प्रदेश में बंगाल की खाड़ी से आने वाले हवाओं के माध्यम से मानसून जून के तीसरे और चौथे सप्ताह में प्रवेश करता है। उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने के बाद इसकी 2 शाखाएं बन जाती है, एक तो पश्चिम की तरफ बारिश करते हुए आगे बढ़ जाती है। अब यहां पर एक समस्या है कि मार्ग में कोई पर्वतीय क्षेत्र नहीं है या कोई पहाड़ी ऊंचाई वाला क्षेत्र नहीं है जिससे वह हवाएं ऊपर उठे और वर्षा यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में हो, इसीलिए पश्चिमी क्षेत्र में बारिश कम होती है। और सबसे कम बारिश भी बताया गया है कि मथुरा में सबसे कम बारिश होती है। लेकिन एक शाखा इसकी है जो उत्तरी तरफ को जाती है, जैसे हम लोगों ने देखा था ये कुछ इस तरीके का इधर का मैप बनता है, तो दक्षिणी और पूर्वी ये भी है कि मानसून उत्तर प्रदेश में दक्षिणी और पूर्वी क्षेत्र से प्रवेश करती है, दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र से प्रवेश करती है, मतलब इस तरीके का डायरेक्शन होता है। ये दक्षिण हो गया, ये पूर्व हो गया, तो दोनों के बीच से ऐसे प्रवेश करती हैं, तो एक इधर को शाखा चली जाती है और एक ऐसे, और एक जो है इसकी दिशा ऐसे हो जाती है। तो चूंकि आपको ये जानकारी है कि उत्तरी क्षेत्र में हिमालय है तो वहां पर हवाएं टकरा करके वापस भी आती है, इसीलिए जो है तराई जो एरिया है आपका गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, इन सभी क्षेत्रों में वर्षा ठीक ठाक हो जाती है और सबसे ज्यादा बारिश भी वो गोरखपुर में अंकित होती है, सबसे ज्यादा बारिश गोरखपुर में अंकित होती है और सबसे कम बारिश मथुरा में होती है। मथुरा में, मथुरा पश्चिम में है और वहां पर उसका रीजन भी बताया गया कि कोई पहाड़ी पर्वतीय क्षेत्र न होने के कारण हवाएं उधर उधर धीरे धीरे निकल जाती है, या यूं कहा जाए कि मानसून धीरे धीरे जैसे पश्चिम की तरफ बढ़ता है वो कमजोर होता जाता है, तो वर्षा की मात्रा भी कहीं ना कहीं पश्चिम की दिशा में पूरब और तराई बेल्ट की तुलना में कम होता है। तो यह हो जाता है वर्षा और तापमान की स्थिति के आधार पर उत्तर प्रदेश में जलवायु का निर्धारण और उसका अध्ययन। इन्हीं से जुड़ा टॉपिक होता है ऋतु। ऋतु अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो 3 प्रकार से है, गर्मी, वर्षा और शीत। गर्मी और वर्षा ऋतु जो है वो आपस में बहुत ही नजदीक से जुड़ा हुआ है, जैसा कि मार्च, अप्रैल, मई और जून ये गर्मी का सीजन है, वहीं पर वर्षा ऋतु जो है वो जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर तक चलता है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी यहां पर जो है शीत ऋतु प्रभावी होती है। बारिश भी शीत ऋतु में भी उत्तर प्रदेश में होता है और ग्रीष्म ऋतु में होता है। ग्रीष्म ऋतु में संवहनीय वर्षा होती है, वर्षा संवहनीय होती है और शीत ऋतु में चक्रवातीय होती है। संवहन और चक्र, संवहनीय धारा, जैसे कि अगर कोई पात्र आप लेते हैं और उसमें अगर वो पात्र जो है ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शी है, उसमें जल आप भर देते हैं और उसे आग पर रखते हैं, तो जैसे जैसे गर्म होता है वो पानी, तो पानी जब गर्म होने के बाद जैसे तापमान किसी चीज का, चाहे वायु हो या जल हो, तो जब टेम्परेचर बढ़ता है तो वो हल्की होती है और हल्की होने के कारण से वो हमेशा जो भी चीजें हल्की होती है वो ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाती हैं। तो ऊपर की तरफ उठेंगे तो उसमें एक धारा किस्म बन जाती है, जैसा कि आप लोग अगर ट्रांसपेरेंट पात्र में कोई चीज देखें तो उसमें जब गर्म किया जाता है तो वो ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है, उसमें एक मूवमेंट दिखाई पड़ने लगता है, तो वो संवहनीय स्थिति होती है। तो संवहनीय का मतलब जैसे हवाएं आ रही हैं और वो हल्की हवाएं जब होती हैं तो ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाती हैं। सामान्यतः संवहनीय वर्षा
मार्ग में बाधा पड़ने के कारण से जो है ज्यादा होती है, क्योंकि बाधा जब पड़ेगी तो हवाएं ऊपर की तरफ उठेंगी, टेम्परेचर वहां कम होगा, हवाएं फैलेंगी, उन संतृप्त होना शुरू हो जाएंगी, हवाएं कंसंट्रेट होना शुरू हो जाएंगे, और जब पूर्ण रूप से संतृप्त हो जाएंगी तो वह जल की बूंदों में परिवर्तित हो जाएगी और वही वर्षा के रूप में पृथ्वी पर आती है। तो संवहनीय हो जाती है, चक्रवाती होती है कि दो अलग अलग स्वरूप की हवाएं आपस में जब टकराती हैं तो उसमें अलग अलग दाब की होती है, इसमें दाब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो जब दाब जो है वो दो अलग अलग स्वरूप की दाब वाली हवाएं आएंगी तो उसमें उच्च वायुदाब हमेशा निम्न वायुदाब की तरफ जो बढ़ता है, और इसीलिए जो है वो आपस में जो घेरा बन करके हवाएं घूमने लगती हैं और वो हो जाता है चक्रवातीय हवाएं हो जाती हैं। तो शीत ऋतु में हमेशा इस तरीके की वर्षा होती है, चक्रवातीय वर्षा जो है वो शीत ऋतु में होती है, और संवहनीय वर्षा ये ग्रीष्म ऋतु में होती है। तो ऋतुओं के आधार पर भी वर्षा को हम लोगों ने इसमें देख लिया। तो यह स्थिति कुल मिलाकर के होती है जलवायु और मौसम के संबंध के आधार पर, और जलवायु का निर्धारण हमेशा तापमान और वर्षा के आधार पर होता है। ताप का निर्धारण हमारे हमेशा सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन होने तथा उसके लंबोत के आधार पर होता है, और वर्षा हमेशा इसमें हवाओं के आधार पर होता है, उसमें गर्त होता है। आगे चल करके हम लोग इसको और डिटेल में थोड़ा सा पढ़ेंगे, किंतु यहां पर हम लोग मानसून का प्रवेश, मानसून का समय, मानसूनी हवाओं के शाखा और उन शाखाओं का किस रूप में जो है वर्षा के वितरण में योगदान होता है, इस चीज को हम लोगों ने यहां पर देखा। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने भौगोलिक संरचना के बारे में अध्ययन किया हुआ था, जिसमें हम लोगों ने मिट्टी के बारे में भी जो है अध्ययन किया था, तीन प्रकार से जैसे उसका भौगोलिक संरचना है कि उत्तर भावर और तराई, मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र और दक्षिण का पहाड़ियों पठारी क्षेत्र। तो यहां पर हम लोगों ने एक अपरदन मिट्टी से जुड़ा हुआ है, जिस जो टॉपिक उसमें से आंशिक रूप से छूट गया था, जिसे हम लोग समझ लेते हैं कि जैसे कोई परत है मिट्टी की, और चाहे वो वायु के कारण से हो या जल के कारण से हो, तो उसका ऊपरी परत धीरे धीरे जब उसका क्षय होता है, क्षरण होता है, तो उसी को अपरदन कहा जाता है। जैसे आप लोगों ने अगर ग्रामीण क्षेत्र से आप लोग जुड़े हुए होंगे तो वहां पर एक उदाहरण थोड़ा सा मैं बताऊं। जैसे जब गेहूं की मड़ाई होती है तो गेहूं की मड़ाई होने के बाद वो वहां पर जो है भूसे का ढेर लग जाता है, भूसा जो होता है, तो हवा जब चलती है तो ऊपर से उड़ता है। हालांकि मिट्टी के केस में इतनी तीव्र गति से नहीं होती है, लेकिन वो पता नहीं चलता और धीरे धीरे उसकी ऊपरी परत का क्षरण होता है, और ऊपरी परत ही सबसे उपजाऊ परत होती है। इसलिए चाहे जल हो या चाहे वायु के प्रवाह और प्रभाव के कारण से, जब मिट्टी का ऊपरी परत और उसका क्षरण होता है तो उसे ही अपरदन कहा जाता है। अपरदन भी दो प्रकार से होते हैं, एक अपरदन का प्रकार है परतदार अपरदन, परत अपरदन, और दूसरा है अवनालिका अवनालिका अपरदन। परत अपरदन में बहुत ही धीरे धीरे मिट्टी का ऊपरी परत और उपजाऊ परत का क्षरण होता है, और जहां पर मिट्टी का नुकसान होता है वहीं पर उसके उपजाऊपन भी जो समाप्त हो जाता है, क्योंकि ये बहुत ही धीरे धीरे होता है और कृषकों को इसका पता नहीं चल पाता है, इसीलिए परतदार अपरदन को किसानों की मौत भी कहा जाता है। और दूसरी अवनालिका अपरदन है, यह जलीय क्षेत्रों में होता है जहां पर तीव्र गति से जल प्रवाहित होती है, वहां पर उस क्षेत्र में नाली किस्म का बन जाता है और उसे अवनालिका अपरदन कहा जाता है। यमुना के क्षेत्र में और चंबल के इटावा क्षेत्र में यह अपरदन ज्यादा देखा जाता है। प्रीलिम्स में इससे संबंधित सवाल भी अब तक कई बार पूछे जा चुके हैं कि चंबल नदी के इटावा क्षेत्र में अवनालिका अपरदन देखा जाता है, और दूसरा यमुना क्षेत्र में भी जो है इस तरीके की घटनाएं जो है देखी जाती है। तो ये हुई जो है अपरदन के बारे में, परतदार अपरदन और अवनालिका अपरदन होता है। अवनालिका अपरदन हमेशा तराई और जलीय क्षेत्रों में ज्यादा होता है, और इसमें जहां पर बाढ़ वाले क्षेत्र होते हैं वहां पे अवनालिका अपरदन होता है, क्योंकि वहां पे जब बाढ़ आती है चाहे वो बारिश के कारण से हो तो वहां पे बहुत तीव्र गति से जो है जल का प्रवाह होता है, इसलिए
अनालिका अपरदन होता है, और अपरदन के लिए वायु और जल ये दो फैक्टर सबसे ज्यादा प्रभावी हैं, और उसमें भी वायु पश्चिमी क्षेत्र में ज्यादा होता है जैसा कि आपको जानकारी ही है, और जलीय तराई क्षेत्रों में हिमालयी क्षेत्रों में अनालिका अपरदन ज्यादा होता है। अगर उत्तर प्रदेश के केस में देखा जाए तो वायु की अपेक्षा जो है जल का प्रभाव ज्यादा यहां अपरदन के रूप में देखा गया है, जैसा कि अनालिका अपरदन से सवाल भी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश की जलवायु के बारे में अध्ययन किया। उम्मीद करता है ये टॉपिक समझ में आएगा, और इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी जो बन रहे हैं वो आपको इसी के अगले लेक्चर में उस पे आधारित जितने भी सवाल बन सकते हैं, और जो सवाल अब तक परीक्षा में पूछे जा चुके हैं उसको भी हम लोग सम्मिलित करेंगे। तो इससे ये फायदा होगा कि आपका फैक्चुअल और तथ्यात्मक नॉलेज का भी मूल्यांकन हो जाएगा, और दूसरा आने वाले परीक्षाओं के पूछे गए सवालों को हल करने से प्रश्न पत्रों की गहराई का भी आपको समझ बनेगी। तो इस आधार पर जो है हम लोगों ने आज उत्तर प्रदेश की जलवायु का अध्ययन कर लिया। उम्मीद करते हैं टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, अगले लेक्चर में एक नई जानकारी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।